केस वाली फोटो क्यों ला रखी है और जेल में जाने वाला की मैटर है जो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप काम की बात कर ले। हाँ, परिवार पहचान पत्र जो है उसका मैं आज का टाइम पर तीन बड़ी समस्या चल रही है, तो बारीकी तय एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद बतावांगे कि जो मैंने थंबनेल लगा था जेड वाला वो क्यों लगाया था। तो राम राम मेरे सारे छोटे बड़े भाइयों ने, जवान चाचे और बूढ़े दावा ने। सबसे पहला और सबसे बड़ी समस्या जो है वह यह है कि मेरे पास एक परिवार पहचान पत्र आया किसी दूसरे गाँव से घूम फिर के, वो मेरी वीडियो देखता कैंडिडेट, तो वो मेरे पास आया है और उसकी समस्या जो थी वह यह थी कि उसका परिवार पहचान पत्र में एक ऐसा नंबर ऐड हो रहा था जो उसके पास नहीं था और उसकी जो पूरी फैमिली आई थी वह बिल्कुल गलत थी। वो जनरल कैटेगरी था तो उसकी एसटी कैटेगरी हो रही थी और उसका मैं जितने भी डाटा था जो भी चीज थी वो सभी गलत थी, तो वह कंप्लीट ठीक करके दे दी है। अगर ऐसी कोई भी समस्या अगर आपके पास है या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करती हो, आपका जो निवारण है वो प्रॉपर एक वीडियो में दे दिया जाऊंगा। और दूसरी जो बड़ी समस्या है वो यह है कि मैंने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में बताया था और काफी सारी वीडियो में मैं यह चीज बता चुका हूँ कि अगर आपकी लड़की की आपने शादी कर दी है या आपके लड़के की शादी करके आप किसी दूसरे के घर की लड़की आप अपने पास लेके आए हो तो वह अपनी अपना फैमिली आईडी में ट्रांसफर करवानी जरूरी है, वह दूसरी फैमिली आईडी भेजनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से आपने दो प्रॉब्लम आओ है। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि अगर उसका कल बालक हो है तो वो आपकी फैमिली आईडी में रहा होगा, अगर आपकी लड़की आपकी फैमिली आईडी में है तो अगर उसने आप दूसरी जगह ट्रांसफर कर दोगे उनकी फैमिली आईडी भेज दोगे तो वो लड़का उड़ चढ़ जाएगा। और दूसरी बड़ी जो दिक्कत आ रही है वह दिक्कत यह आ रही है कि काफी सारे दुकान वाले ऐसे हैं, अगर आप कह दे हो कि भाई इसकी लड़की की शादी कर दी तो इसने उनकी फैमिली आईडी भेज दे तो वे डायरेक्ट उनकी फैमिली आईडी में भेज दे हुए हैं, लेकिन वो छोटी सी गलती कर रहे हैं, वे उनका मोबाइल नंबर चेंज नहीं करते और इस वजह से आपकी फैमिली आईडी भी गलत होगी और उनकी फैमिली आईडी भी गलत होगी। क्योंकि आगे चलकर परिवार पहचान पत्र से ही गवर्नमेंट की हर जो सुविधा है हर जो स्कीम है वे परिवार पहचान पत्र मिलेंगी आपने, तो अगर आपका परिवार पहचान पत्र स्थापित नहीं होगा यानी कि वो कंप्लीट रूप से वेरीफाई नहीं होगा तो आपका किसी प्रकार का कोई काम नहीं होगा, आप किसी भी स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो सभी दुकानदारों से भी हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप उनका मोबाइल नंबर भी चेंज करें और उनके जो फैमिली आईडी में है वो हर मेंबर अपने अगर लड़की की शादी करती है तो दूसरी जगह भेज दे, और अगर दूसरी जगह से आप लड़की लेके आए हो तो उस लड़की को अपनी फैमिली आईडी में लेके आए। और तीसरी जो है वह मैंने कुछ दिन पहले आपको अपडेट दे दिया था कि परिवार पहचान पत्र की साइट पर काम चल रहा है फिलहाल के लिए और एक बड़ी धमाकेदार अपडेट आने वाली है और उसका डेमो मैंने आपको उस टाइम पर एडिट करके दिखाया था कि इस तरह की कुछ आपने फैमिली आईडी आपके आगे देखने मिलेगी, लेकिन YouTube पर किसी भी बंदे ने आज तक यो अपडेट नहीं बताया है और मैं आपने दोबारा तक दिखा दी हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस फैमिली आईडी में काफी लोगों को ये दिक्कत थी कि भाई किस आदमी की कितनी इनकम लोकल कमेटी ने या सेक्टर कमेटी ने वेरीफाई करी है, तो इस पर आप साफ साफ देख पा रहे हो कि लोकल कमेटी ने एक मेंबर की जीरो कर रखी है, उसके बाद दूसरे मेंबर की जीरो, तीसरे मेंबर की इनकम इतने तले के इतने के बीच में चढ़ा रखी है, चौथा मेंबर की है इतने तले के इतनी चढ़ा रखी है, और दूसरी फैमिली आईडी आपके सामने पेश करूं और इस फैमिली आईडी में भी आप देख पा रहे हो कि किसकी इनकम कितनी चढ़ाई गई है, किसी की जीरो चढ़ा रखी है, किसी की 50-75 चढ़ा रखी है, तो जितनी भी चढ़ा रखी है वह जिस मेंबर की इनकम है उसके सामने ही साफ साफ लिखी हुई है, वो सबसे ऊपर टॉप में भी ये भी लिखा हुआ है कि पूरे परिवार की इनकम जो है वह कितने से लेकर कितने तक के वेरीफाई हुई है। इसके साथ साथ आपको एक आईडी और दिखा देता हूं मैं कि किसकी इनकम कितनी वेरीफाई हुई है, पूरा भी आप साफ साफ देख पा रहे हो। तो फैमिली आईडी से जुड़ी फिलहाल के लिए ये तीन बड़ी समस्या थी, अगर आपकी ये समस्या है तो आप जल्दी से अपने सीएससी वाले से जाके ठीक करवा लो, अगर फिर भी आपने कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो, आपकी उचित सहायता करी जाओगी। और रही बात है केस की, तो केस के है कि काफी सारे जो दुकानदार हैं वो मेरे तहत मतलब ईर्ष्या कर रहे हैं या फिर ये लगा लो कि वे ये कर रहे हैं कि आप अपनी कम्युनिटी की बार बार बुराइया कर रहे हो कि भाई ये दुकानदार वाले गलत कर रहे हैं, दुकान वाले ये गलत कर रहे हैं, सीएससी वाले ये कर रहे हैं, तो भाई मैं हर आदमी तो नहीं कर रहा है चीज कि मैं हर आदमी का नाम ले रहा हूँ, कुछ शरारती तत्व हैं जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उन सीएससी वाले की बात कर रहा हूँ। और आपने खुद बेरा है, अगर आप सीएससी संचालक हो तो आप तो आयुष्मान की जो सर्विस थी वह छीनी गई थी, वो किस कारण छीनी गई थी, क्योंकि कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने इसके साथ छेड़खानी करी थी, गलत तरीके से लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए थे और इस वजह से हमसे एक बेहतरीन सर्विस थी जो छीन ली थी, लेकिन सीएससी टीम जो है वो दोबारा से या सर्विस सीएससी पे लेके आई है और गांव वाला ने इसमें काफी तौर से राहत भी मिली है, तो मैं उनके उन्हें टारगेट कर रहा हूँ, सिर्फ उन तो बार बार प्रयास कर रहे हैं कि आप सही तरीके से काम करो। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फैमिली आईडी में
आधे अधूरी फैमिली आईडी बना के छोड़ देवे है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली आईडी गलत है तो फैमिली आईडी बनाने वाला सीएससी संचालक है, और सीएससी संचालक है जो अनुरोध है कि उसकी फैमिली आईडी प्रॉपर तरीका से बना होगा तो आगे चल के कस्टमर भी थारे बढ़ेंगे। वो किस दूसरे कस्टमर ने बताओगा, वो किसी तीसरे कस्टमर ने बताओगा, आपके ज्यादा ज्यादा कस्टमर को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और रही बात मेरे पे केस करने की, अगर भाई तुम केस करना चाहो तो बेशक केस कर लो, क्योंकि आपने भी केस करने की जरूरत को नहीं। आज के टाइम पर जो हालात है मेरे, जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ और जिस तरह मैं जो गरीब परिवार है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है किसी डिपार्टमेंट के थ्रू, तो उस डिपार्टमेंट के साथ चीज अड़के हम चल रहा है ना, तो केस तो अपना आप हो जाने हमारे ऊपर। तो आपने टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, कोई ना कोई अपना आप केस कर लेगा, आपने भड़क लेने की जरूरत को नहीं, अदरवाइज केस बहुत सारे हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। और रही बात गरीब परिवार खातर, तो गरीब परिवार खातर मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ, आपका साथ चाहिए है। वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो ने शेयर कर लियो, चैनल ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लियो, ताकि भविष्य में इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपके सामने समय पाते रहे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना जय हरियाणा।